पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह तिहरे हत्याकांड का आरोपी सईद मेंटल है। सईद ने 2 मार्च को शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में पत्नी और 2 बेटियों की सरिया और धारदार हथियार से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में सईद ने बताया कि वह हत्याकांड के बाद पुलिस से बचने के लिए गाजियाबाद रोडवेज बस अड्डे पर रह रहा था। वह दिन में भीख मांगता था और रात में रोडवेज बस अड्डे के फुटपाथ पर सो जाता था। इतना ही नहीं, सईद पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देना चाहता था, लेकिन वह अपने 2 बेटों को मौत की नींद नहीं सुला सका। सईद ने ऑन कैमरा यह भी स्वीकार किया कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे, जिसका उसकी बेटियां और बेटे सपोर्ट करते थे, इसलिए वह पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाना चाहता था, लेकिन वह इस प्रयास में सफल नहीं हो सका। वो मेरी थी, कर उसकी समझ में नहीं आया, बोले ऐसा है तुम मेरे को मार रहे लेकिन मैं सुधरने वाले। ये कहानी सन 2015 दसवां महीना 27 तारीख में ही खत्म थी, लेकिन मेरे को मस्जिद बनानी थी, इसीलिए इतना टाइम खींच गया। बेटियों को मारा जी? बेटियों को वो उसका सहयोग करती थी, उसके साथ रहती थी। अच्छा। SSP बुलंदशहर की माने तो आरोपी सईद पुलिस से बचने के लिए न सिर्फ भिखारी बन गया, बल्कि वह मोहाली में ईंट भट्टों पर मजदूरी करने चला गया। पुलिस ने सईद को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया है। देखिए, 2/3 की रात में, तीसरे महीने में, मार्च में, शिकारपुर कस्बे में सईद मेंटल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पर घातक चोट पहुँचाई थी, जिसमें पत्नी और 2 बेटियों की मृत्यु हो गई थी। तीसरी गंभीर रूप से घायल थी, जो बाद में उपचार के दौरान ठीक हुई। और इन सब की हत्या करने के बाद ये अपराधी घर से फरार हो गया। इसने अपना मोबाइल फ़ोन अपने घर पे ऑफ कर लिया था। लगातार हमारी टीमें इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि यह किसी के भी संपर्क में नहीं था, तो कहीं से भी लोकेशन मिलने की संभावना नहीं बन पा रही थी। अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ पहले पूर्व में भी ये कभी आया गया था, या जो रिश्तेदारियाँ थीं या जो जमात आदि चल रही थी, जैसी अब सूचना प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप इसकी तलाश के लिए लगातार हमारी 3 टीमें प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में यह तथ्य जानकारी में आया कि आज से लगभग 20 साल पहले ये पंजाब के मोहाली जनपद में ईंट भट्ठों पर काम करता था। उस अभिसूचना को विकसित करते हुए हमारी टीम मोहाली पंजाब में लगाई गई और वहाँ पर ये एक सनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग आदि बन रहे थे, वहाँ पे लेबर के रूप में काम कर रहे थे और वहाँ से पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया। नहीं, ये इसका कहना है कि ये काफ़ी दिन गाजियाबाद, दिल्ली और अन्य स्थानों पे रहा। कुछ दिन इसने भिखारी बन के भीख मांग करके जीविकोपार्जन किया, बाद में ये मोहाली चला गया जहाँ पहले ईंट भट्टों पर काम करता था। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मकान निर्माण का काम चल रहा था, जहाँ ये लेबर के रूप में काम करने लगा। बातचीत के दौरान इसने बताया कि पत्नी की चरित्र पर इसे शक था और बहुत दिनों से, लगभग 2015 से ही वह पत्नी की हत्या करना चाहता था। तीनों बेटियां इसकी उसमें सहयोग करती थी पत्नी को, इसका बड़ा बेटा भी सहयोग करता था, बड़ा बेटा वहां नहीं था, इस वजह से वो बच गया। तो इसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, फिलहाल हम लोगों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई अदालत की है। बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।